नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, नंदीप विद्यालय के YouTube चैनल में मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं की 6ठी कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस कविता का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। इस कविता के रचनाकार है रमेश दत्त शर्मा जी, इनका परिचय हम देखते हैं। रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म 1939 में जैलसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 2012 में हुई। शर्मा जी ने अपने 50 वर्ष में पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार किया। उनके लेखन में उन्हें दर्जन से अधिक पुरस्कार मिले हैं। वे अपनी कक्षा 7वीं-8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में भाग लेते थे और जैलसरी के नाम से वे शिरकत करने लगे थे। ऐसे उम्दे व्यक्तिमत्व वाले रचनाकार रमेश दत्त शर्मा जी की कविता का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। प्रस्तुत गजल में रमेश दत्त शर्मा जी ने शेरों के माध्यम से हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए, इसका महत्व इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। अब हम जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस कविता के प्रथम 4 पंक्तियां पढ़ेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़का हो या फिर हो तू तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखते हैं। प्रथम पंक्तियां है, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं, हे मानो अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीख लो, अर्थात हमें वह मधुरभाषी बनना चाहिए। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो, जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसर पर आवश्यकता नहीं होती है तभी भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि ऊर्जा की बचत होती है, समय बचत होते हैं। उस ऊर्जा और समय को हम सकारात्मक कार्य में भी लगा सकते हैं, जिससे हमारा फायदा भी हो सकता है। किसी को कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। रचनाकार कहते हैं, किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बातों पर हमें विचार करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। बोलने से पहले अपने शब्द को तोलने की आदत बनाओ। ऐसे ना हो कि हमारी बातों से सामने वालों को दुख पहुंचे। जैसे कि तलवार से हुआ घाव देर सवेर भर सकता है, परंतु कटु वाणी से किया हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय वह हमें याद आकर हमें पीड़ा पहुंचाता है। तू तड़का हो या फिर तू तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। रचनाकार कहते हैं, यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ऐसी स्थिति निर्माण हुई हो तो अपने आप को टोक कर चुप रहने को सिखाओ। अब हम पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। यार, यार याने मित्र, फायदे, फायदे याने लाभ, जुबा, जुबा याने वाणी, ख्याल, ख्याल याने विचार, टोकना याने रोकना, वक्त, वक्त याने समय। अब हम आगे के 4 पंक्तियों का पठन करेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे,
मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। रचनाकार रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि मित्रों, किसी भी परिस्थिति में दूसरों पर क्रोध में फटे पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कई उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। जैसे कि यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगड़ाती है। कटु वचन से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज हैं जिनके फल स्वरूप कांटो रूपी फसल ही मिलती है। अंततः कटु वचन का त्याग करके मीठी बोली रूप फूलों के पौधे लगाना चाहिए। यदि बात करते करते कोई प्रसंग ऐसा आ जाए कि किसी के बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार से मोड़ना आना चाहिए ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। पर साथ ही साथ इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम पर कोई अन्याय हो रहा है या अनुचित बात हमारे सामने हो रही है, तो चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, यानी होठ सीकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और उस समय हम कुछ भी नहीं कहे तो यह भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसे परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों से उसका विरोध करना चाहिए। पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। कटु, कटु याने कड़वे। वचन, वचन याने बोल। गुल, गुल याने फूल। रोपना, रोपना याने पौधा लगाना। बेबात, बेबात याने बिना बात के। सीकर याने सिलकर। मुंह खोलना, अपनी बात कहना। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस प्रस्तुत गजल से हमें यह बोध मिलता है कि हमें दूसरों के प्रति आदरयुक्त भावना निर्माण करनी चाहिए। किसी से ही बात करते समय मधुर वचन बोलना चाहिए। आवश्यकता के समय आवश्यक बोलना चाहिए। कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर हमें विचार करना चाहिए और जब हम पर अत्याचार अन्याय हो रहा है तब हमें हमारा मुंह खोलना चाहिए। इन आदि गुणों के बारे में रचनाकार रमेश दत्त शर्मा जी ने हमें गजल के माध्यम से संदेश दिया है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो फिर से देखिए, कविता का पठन कीजिए, कविता में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखिए। अब हम मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।